देना करबला वे खुदा। फरमा तेन की पता विश्क केड़ी बला देना है। कह लगा मैं तेन दर्द पूछा तू इश्क सुना रहे मैनु दस तेन दर्द क्यों नहीं आता। आ फरमाते ने आ मैं तेन तेरे लफ्जा च समझा देवा। हजरत बिलाल फरमाते ने कदे गौर किया जदू तू मेनू मारन वास्ते इस तरह कोई चीज उठाना है ते मैं अख बंद कर लेना। थोड़ा होर हौला बोलो तुहानू नजर ना लग जाए। मैंने पता मस्त हो गया पर मैं पहले अर्ज किया शेख साहब ही फरमाया कि ऊंट मस्त आवे तो एक मन की बजाय दो मन पार चुक जाता है। इश्क रसूल की मस्ती जी बोली जो सुभान अल्लाह। आप फरमा लगे कदे गौर किते जब तू मैनू मारन लगना तो मैं अख बंद कर लेना। उमैया कह लगा ये तो मैं हर बार वेखना मैं जदू भी तेन कोई चीज मारा तू अख बंद कर लेना। बिलाल फरमान लगे जालिमा इश्क दे बेड़े दा कानून है आशिक जद भी अख बंद करे सामने मशूक आ जाता है। तालिब अख बंद करे सामने मतलूब आ जाता है। मुहिब अख बंद करे सामने महबूब आ जाता है। बिलाल अख बंद करे सामने रसूल आ जाता है। फरमाया जालमा इश्क दा कानून है यार सामने आवे घोड़े एक पासे रह गए जान निकल जाती है पता चल दई। यूसुफ सामने होवे उंगलियां कटियां जान पता नहीं चलदा ते जिदे सामने यूसुफ दा भी आका होवे उन्हों तेरे कोड़ियां दी की खबर होवे। फरमाया मैं अख बंद के यार दा तसव्वुर कर लेना तेरे कोड़ियां दा मैनू दर्द दा की पता होवे। गिरामी कदर हजरात मैं परी दे वेड़े दी इक गल मैं जदों छोटा सा ना ते मेरे वालिद गिरामी खतीबे पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद लतीफा सी मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह जदों बयान फरमांदे सन ते मैं छोटा सा ते मैं सामने बैठ के जदों सुनना ना मेरे वालिद साहब ने जदों इत्थे आना ना हजरत बिलाल हबशी दा किस्सा बयान कर दिया कि बड़ी मार पैंदी सी ते मैं सोच ही पै जाणा कि बिलाल ते इश्क दा बंदा सी इह ते बड़ा नाजुक जिहा सी इश्क दा मिजाज बड़ा नाजुक होंदा ना ते मैनूं बचपन च ख्याल आउणा कि मार ते अबू जहल नूं पैणी चाहीदी सी। हजरत जी मार ते अबू लहब ते नमरूद ते फिरौन ते शद्दाद ते हमान नूं पैणी चाहीदी सी। पर हैरत दी गल मारा उन्हां नूं पईआं जिहड़े इश्क वाले सन। कदे इब्राहिम नूं फरमाया अग विच छलांग मार दे कदे पुत्र दे हलक ते छुरी फरा दित्ती कदे ज़करिया अलैहि सलाम दे आरे हेठां लिया के दो टुकड़े करा दित्ते। नबियां नूं सत्तर सत्तर नबी एक दिन च बनी इसराइल ने कतल कर दिते। ते नमरूद जिन्हें आख्या अना रब्बुकुमुल आला मैं वड्डा रब हां ओ फिरौन 800 साल नमरूद की उम्र सी 400 साल उन्हें पता ही नहीं सी कि बुखार किनू कहंदे ने। नमरूद दे सारे च कदे दर्द होया ही नहीं सी। यार जेडे खुदाई दे दावे कर रहे उन्होंने तो रब ने तख्तों ते ताजा ते बिठाया ते उन्होंने तो रब ने दर्द भी कदे सर च ना होन दिता बुखार भी ना होन दिता उन्होंने तो एडे लाडा ना रखिया। आ जेडे इश्क वाले सन इनिया मारा मेरी गल समझ च ना आवे पर मैंने किसी सूफी ने समझाया उन्हें आख्या असी साहब जदों साडे तो अगला जमाना सी ना ते बर्तन होंदे सन मट्टी दे ते माई पिंड दी जाना ना जदों बाजार ते उन्हें बर्तन खरीदना कोई प्याला कोई दबाग कोई हांडी कोई कनाली खरीदनी ना ते माई ने बर्तन इस तरह करके तली ते रख के ना इस तरह ठोक के वजा के चेक करना ते आवाज तो वेखना जे आवाज खणकदी आउणी पक्की आवाज आउणी ते बर्तन खरीद लेना कच्ची आवाज आउणी ना ते बर्तन दुकानदार नूं देख के कहना ये पिल्ला है ये कच्चा है इहनूं पट्ठी च होर पका के लियाओ। बाबा जी मैनू कहन लगे आसी साहब कच्चा पांडा ते माई नहीं खरीददी इंसान भी जदों इश्क दी मंडी च विकन आवे फिर यार भी ठोक के बजा के वेखदा किधरे कच्चा इत्थे नहीं आ गया किधरे कच्चा इत्थे नहीं आ गया इश्क दी मंडी दे अंदर इत्थे मुल पक्कियां दे लगदे ने इत्थे पट्ठी च पकाए जांदे ने। तर्जमा करा के देवां तुहानूं मियां मुहम्मद बख्श कोलो। यार काश तुसीं सुभान अल्लाह बोलदे ते मैं तुहानूं सुना ही देंदा। मैनु नहीं पता महफल वाले तुहाडे वास्ते लंगर बनाया कि नहीं बनाया जी
अच्छा जी लो जी ऐसे मैं पूछना ते नहीं सी मगर मैं पूछ लिया चलो पर सच्ची दसो हूँ सुबहान अल्लाह बांधी के नहीं थोड़ा लंगर वैसे घरों भी खा के आया करो बंदा सुबहान अल्लाह क्या योगा हो जाता है ते जिदी अम्मी ने दसिया ना कि मैं तेनू पालिया ही मुहम्मद दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुबहान अल्लाह तो के जिदा खाइए ओदा जेड़ा सरकार दी तकसीम जो खांदा ओ बोले सुबहान अल्लाह आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लखां बेरी नू लगी दे कुछ कच्चे जड़ जाने पर जेड़े नाल पकन मुहम्मद ओ यही रोड़े खांदे ए जेड़े नाल पकन मुहम्मद ओ यही रोड़े खांदे हजरत ख्वाजा सुलेमान तौस भी रहमतुल्लाह अलैह तौसा दी गली च जा रहे छोटे छोटे बच्चे बेरी दे दरख्त नु पत्थर पे मार दे एक पत्थर ख्वाजा सुलेमान तौस भी दे मत्थे ते जा लगा खून निकलिया बच्चे नु पकड़ के फरमाते ने मेनू क्यों मारे आई बच्चा रोन लग पे कहन लगा बाबा जी मैं तुहानू ते नहीं मारिया फरमा किनू मारिया कहन लगा बाबा जी मैं वो बेरी नु मारदा सा ते वली लजपाल होंदे ना फरमा चल मेनू नहीं मारिया ते ओनू बेचारी नु क्यों मारना बच्चा रो के कहन लगा बाबा जी मैं बेरी नु पत्थर मारना ते ओ बेर सट दी है ख्वाजा सुलेमान चीख मार के बेहोश हो गए होश आया ते वेख्या बच्चा दौड़दा जा रहा दौड़ के जाके उन्हें पकड़ के सीने ना लगा के ना एक निगाह की बच्चे दी सारिया वलायत दी मंजिल तय करा के उन्हें वली बना के फरमान लगे वो तेन छोटे जिन पता है वो बेरी नु रोड़ा मारी है ते बेरी बेर दें दी है ते वली नु रोड़ा मारी है वली कुछ नहीं देंदा जेड़े नाल पकन मुहम्मद ओही ओही रोड़े खांदे कदे किसे कच्चा नु भी मारिया मारते पक्या नु पैंदी है और मारा ते पक्या नु पैंदी है कच्चा नु कौन मारदा है बिलाल इश्क दी पट्ठी विच पक रहे ना सुनावा गल सूफिया ते अहले तसव्वुफ फरमांदे ने जे मैं इश्क दे पैंडे पै गया ते गल लंबी हो जानी हुण सूफिया फरमांदे ने जिन्नू इश्क लग जाए ओहदियां तीन निशानियां आउंदियां किन्नियां फिर बोले किन्नियां इश्क दी पहली निशानी होंदी है रंग जर्द दूसरी आह सर्द तीसरी चश्मे तर मतलब जिन इश्क लग जाए ओहदी पहली निशानी होंदी है ओहदा रंग जर्द हो जांदा रंग पीला हो जांदा उस सुक जांदा है जेडे बुजुर्ग लोग बैठे ने को पुछो जेड़ा पंसारी को एक बूटी मिलती है नाम होता है इश्क पेचा इश्क असल च एक बूटी का नाम है इश्क पेचा एक अंगूर दी बेल दी तरह बेल होती है जिवें अंगूर दी बेल किसी दरख्त ते छा जाती है ना इंज एक इश्क पेचा भी बूटी होती है एक बेल होती है किसी दरख्त ते छा जाती है मगर ए कमाल होता जेडे दरख्त ते छा जाए ना उन्हें सुका देती है इश्क भी जिदे ते छा जाए ना सुका दे सुका ही जाता है सुक जाता है रंग जर्द आह सर्द इश्क दी दूसरी निशानी होती जिन इश्क लग जाए ना आह सर्द वो ठंडे हौके भरद है हावा भरद है एक दिन हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी बुस्ताम की गली च जा रहे थे राज एक दरवेश बैठा उन्हें हौका मारिया ख्वाजा बायजीद चीख मार के बेहोश हो गए होश आया तो उसके सामने बैठ के फरमाते ने मेरा नाम बायजीद बुस्तामी है मैं इन्नी आला इबादत करना फरिश्ते वेखन आते हैं तो मेरी सारी इबादत तू ले लै आ हौका मैनू दे दे लोग आख्या लजपाल इबादत दे के हौका मांग दियो फरमाया उत्ते बेनियाज ते अल्लाह हुस्समा दे उन्हों ते किसे दी परवाह ही नहीं वो कयामत नु मेरी इबादत कबूल ना करे ते मैं की कर लवांगा पर मैं अपनी वलायत दी निगाह नल वेख्या है ए बाबे इश्क नल हौका मारिया है इन्हें फरश ते हौका मारिया खुदा दा अर्श हिला के रख देता उसको आशिक दा हौका है ना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे हंजू हाड़े
सुबहान अल्लाह घर जाके बोलिया जे हंजू हाड़े ते होके हवा मुड़ नहीं आया ओ फेर मुहम्मद ए बीत गया बरसाता जिन्हां नूं इश्क लग जे होके भरदे ने हंजू हाड़े होके हावां दे गया यार सौगाता इश्क दी तीसरी निशानी होंदी है जिन्हों इश्क लग जाए उहदी अखां च पानी रहिंदे हर वेले आंसू रहिंदे ने ओ मियां साहब ने फरमाया ना कि इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया रोना कम उन्हां ही ओ मिलदे रोंदे विछड़े रोंदे रोंदे टुरदे राही इश्क विच मिलदियां भी रोना पैंदा है ते विछड़ियां भी रोना ही पैंदा है इहदे च रोना ही पैंदा है भावें वसल होवे जां हिजर होवे इहदे च रोना ही पैंदा है ताइयों बाबा बुल्ले शाह फरमाया इश्क आप भी अब अल्लाह दे कम भी अब ले इश्क आप भी अब अल्लाह दे कम भी अब ले उजे छटदा नहीं होदा जिद पै जाओ पल्ले इधर बिलाल इश्क दी पट्टी में छुपा करे इश्क दी पट्टी छुपा करे उधर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा च बैठ के ते फरमाते ने उंज कोई होवे जेड़ा मेरा बिलाल ही खरीद लवे जद पक गए ना कोई होवे जेड़ा मेरा बिलाल ही खरीद लवे इश्क दी दुनिया दा इमाम ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आ फरमाते ने मैनूं ख्याल आया अबू बकर इन्हें गुलाम अपनी मर्जी दे खरीदे नहीं एक यार दी मर्जी दा भी खरीद लै चुपके नाल उठ के ना ते नबी पाक दी माफल च टुरे दरवाजे च गए ते नबी पाक फरमाते ने उंज जेड़ा बिलाल नूं खरीदन जावे ना वह मेरा हिस्सा ले जावे सिद्दीक मुड़ के ते दिल विच ही कहन लगे कमली वालिया हिस्से की लैके जावां मां भी तेरा ही हाँ मेरा मौल भी तेरा ही है ते सोणिया जिथे जमाल दे सौदे हो जाण उथे कोई माल दे सौदे ते नहीं ना करी यारां नाल हिसाब ते नहीं ना करी दे सिद्दीक अकबर नबी पाक दी माफल चो निकल के मक्के दे चौक च गुजरे उमैया हजरत बिलाल नूं मक्के दे चौक च पिया मारे बिलाल बेहोश ने कई मन दा पत्थर बिलाल दे सीने ते रखे लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशा पे देख जेड़ा गुजरदा ओदे हाथ च जो आउंदा बिलाल नूं मार के गुजर जांदा सैयदना सिद्दीक अकबर गुजरे ते आप हालत वे के रोन लग पे ते फरमान लगे उमैया उस जालिमा क्यों मारना उस गरीब ने तेरा की बिगाड़िया उमैया बड़े गुस्से च कहन लगा अबू बकर इन्ना तेनों इन्हां दा ख्याल है ना ते खरीद लै हस के फरमान लगे बोली बोल मैं घरों ही ऐसे कम आया लोग कट्ठे हो गए गर्मा गर्मी हो गई ना दूसरे गुलाम डर के मुहम्मद का कलमा ना पढ़न मेरे मुंह चुक ही निकल गया उन ख्याल आया होवे ना ते बोली एडी उची बोला कि बिलाल अबू बकर खरीदे ही ना सोच सोच के कह लगा जे खरीदना है ना ते 1000 दिरहम लग दे मक्के दे लोग टुर पे कि 1000 बिलाल दा किन्ने देना है इन्हू ते कौड़ियां दे पा बेचिए ते खरीदता कोई नहीं ते इन्हू किन्ने 1000 दा खरीदना है परवाह सिद्दीक तेरी अजमत तो सदके 1000 दिरहम दी थैली कढ़ी ते मैया दी तली ते रख देते ओदे रंग उड़ के ना फबहित लजी कफर रंग उड़ गए 1000 मंगे ते बिलाल दा 1000 मिल गया काफिर सी ना मुकर गया कह लगा नहीं 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 मैनू भुलेखा लग गया मैं 2000 कहने सन 1000 कह दिता है सिद्दीक दूसरे 1000 की थैली भी उहदी तली ते रख दिती कहन लगा नहीं नहीं अजे सौदा पक्का नहीं जी होया मैं सुनिया तुहाडे कोल इक मिस्र दा गुलाम है जिहदा नाम है निस्तास बड़ा सोहना गुलाम रोजाना अपने मालिक नूं बड़ा कारीगर सी 1000 रुपए कमा के देंदा सी उमैया कहन लगा ओ निस्तास भी मैनू दे दे सिद्दीक ने फरमाया ओ भी तेरा
कह लगा बिलाल दे बदले उदी बीवी भी आपने फरमा उदी बीवी भी तेरी लौंडी ते बांधी ते गुलामा कह लगा उदे बच्चे हजरत अबू बकर फरमान लगे उदे बच्चे भी तेरे गुलाम जेडे को सियाने खड़े सानू कह लगे उमैया हया कर सौदा करके मुकरना है दे बिलाल सिद्दीक नू हुण उमैया तो गल ना बने कह लगा जी जाओ जी बिलाल नू लै जाओ नौजवान हजरत सिद्दीक अकबर ने जोर लगा के कई मन दा पत्थर बिलाल दे सीने तो हटाया बिलाल नू उठांदे रहे ते बिलाल तो उठे ही ना जावे सिद्दीक दामन पकड़ के ना ते हिला के फरमान लगे उठ बिलाल तेरे खरीदार आए ने उठ बिलाल खरीदार आए ने बिलाल नू बाजुआं तो पकड़ के सिद्दीक ने उठा के ते बिलाल दा बाजू अपने कंधे ते रखिया ना ते टुरन लगे ना सारे मक्के वाले बाजार च खलो के सिद्दीक ते बिलाल दी कंड पे वेख दे उमैया आवाज दे के कह लगा अबू बकर जरा दो घड़ियां ठहरी आप ठहर गए कह लगा मैं ते सुनया सी तो अरब दा बड़ा सियाना ताजर है पर आज ते बड़े घाटे दा सौदा कीता है फरमा किवें कह लगा ए ओ बिलाल इन्हों मैं कौड़ियां दे पास बाजार च वेचा ते खरीदे कोई ना हजारां दा खरीद के लै चले एडे घाटे दा सौदा सिद्दीक मुड़ के फरमान लगे मैं वाकई बड़ा सियाना वा आपने फरमाया ज़ालिमा घाटे दा मैं नहीं तू सौदा कीता है उमैया कहन लगा मैं ते हजारां कमाए ने फरमाया ज़ालिमा इश्क विच यार दी पसंद वेखी जांदी है ए मेरे यार नूं पसंद आ गया है फरमाया ज़ालिमा एडे घाटे दा सौदा कीता है एडा महंगा बिलाल हजारां दा बेच दित्ता है फरमाया रब्बे काबा दी कसम है अज रोम ते फारस दी बादशाही मंग दूं ना बिलाल दे कदमां तू वार के सुपने नहीं सी कहन लगा मैं हजारां कमाए ने सिटी कहन लगे ओ ज़ालिमा एडे घाटे दा सौदा कीता है तेनू बिलाल दी कीमत दा पता कोई नहीं फरमाया मैनू काबे दे रब दी कसम है इस बिलाल नू खरीदन वास्ते अज कदे विकना पैंदा आप विक जाना सी बिलाल खरीद लेना की पता होवे बिलाल किड्डा जद लैके टुरे ना सिद्दीक ते मक्के वाले सारे वेख ले अज अज किवें दा सौदा बाजार च होया बिलाल फरमांदे ने कि मैं टुरिया जावां ते मैनूं भी ख्याल आया कि कल किसे दा गुलाम साज किसे दा करनी ते गुलामी होई है ते बिलाल ना एवें सिद्दीक दे कन्न च पुछदे ने जी किन्ने दा खरीदिया जे सिद्दीक दी अखां च अथरुआं दी इंज कितार जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना फड़के ते बिलाल नूं सीने लगा के फरमा लगे अजी यार दी मंडी च वेख्या बड़ा महंगा वेख्या है बिलाल जदों अज अपना मुल सुणिया ना ते मियां साहब दी जुबान च कहण लगे औगनहार कुचजी खोजी मैं नकम्मी नित निकारी पर साइयां मुल खरीदी सयो दे के कीमत पारी ओ बड़ा ही वेने आ गए एक दिन अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दा बचपन ते यूसुफ अला नबी अलैहि सलाम ने आईना वेख्या आईना अपनी शक्ल नजर आई ते ख्याल पता की आया फरमाते ने मैं ते नबियां दा पुत्र हां मेरा दादा नबी मेरा बाप नबी मेरा परदादा नबी मैं नस्ल दर नस्ल नबी आ रहा ते मैं ते चलो नहीं बिकना पर जिड्डा मैं सोहना वा ना कदे मैं किसे गुलाम दा पुत्र होंदा ते बड़ा महंगा वेखदा रब ने बत्ती खोटे सिक्कियां ते वका दिता आख्या हुसन ते मान ना करी मैं तेरे वर्गे सोने खोटे सिक्कियां ते वका देना उत्थे यूसुफ वर्गे सोने खोटे सिक्के ते विक गए पर जदों मिस्र बोली लगी ना ते पहली बोली 10 लख दी दूसरी 20 लख ते तीसरी 32 लख दी लगी हजरत यूसुफ बत्ती छुण के चीख मारी बेचण वाला मालिक इब्ने ज़हर जिदा नाम सी काने च कहन लगा यूसुफ रोया क्यों है फरमाया तू ते 32 खोटियां ते सिक्कियां ते खरीद लिया इत्थे 32 लख मुल लग गया ते अजे भी नहीं पिया विकदा उत्तों आवाज आई सोणिया उत्थे वीरां वेचिया सी इत्थे असीं मुल लावण लगिया पर ना खरीदन वाले नु कदर ते ना बेचण वाले नु मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमांदे ने जे कीमत याकूब करेंदे ते मुल ज़ुलैखा लैंदी जान देंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पैंदी
फरमाते ने जे वेचन वाले यकूब होंगे, विकन वाला यूसुफ होंदा, ते खरीदन वाली जुलैखा होंगी, कतरा फेर आउंदियां। बस हजरत बिलाल विक गए। नौजवान सिद्दीक लैके जड़े वेला नबी करीम दी बारगाह दे अंदर आए, दरवाजा खुलिया, मेरे नबी दी निगाह बिलाल दे चेहरे ते पई, उठ के मेरे नबी खड़े हो गए, जाके मेरे नबी ने बिलाल दा बाजू अपने कंधियां ते रखिया, वाह बिलाल तेरी अजमत निसार जावा, एक बाजू सिद्दीक दे कदियां ते एक बाजू नबी दे कदियां ते, ले आके मेरे नबी सामने बिठाया, बिलाल दियां निगाहां नीवियां ने, बिलाल रोई जा रहे, मेरे आका फरमाया बिलाल मेरे वल वेख, अर्ज की सुने असा गुलामा कदे मालकां दे चेहरे नहीं वेखे, सोनिया निगाहां उठाइए मारा पैंदियां ने, फरमाया बिलाल निगाहां उठा के जिया कर, दुनियादार दा गुलाम नहीं बनया, रब दे यार दा गुलाम बने, सीने लगा के फरमाया बड़िया मारा खा के आया है, आ मैं तेनू इनाम देवा, सहाबा ने नबी करीम वल वेखे, आओ अज बिलाल नू की मिल जाए, मेरे नबी फरमाया दुनिया वाले हो सारिया उम्मत तू पहले मेरी उम्मत जन्नत च जावेगी, सारे नबियां तू पहले मैं मुहम्मद जन्नत च जावांगा, फरमाया बिलाल दा इनाम है वे, बिलाल मेरे तू पहले जन्नत च जावेगा, अर्ज की सुने जन्नत दा ताला ते तुसा खोलना है, बिलाल किवें पहले जावेगा, फरमाया जड़ी सवारी ते बह के मैं जन्नत च जाना है, ओदिया बागा फड़ के अगे अगे बिलाल टुरदा आवे, तेरी सवारी दिया मुहारा पकड़ के अगे अगे बिलाल। बस अज बिलाल नु मंजिल मिली ना, सामने कमली वाले बैठे, मेरे नबी नु पसंद आया ते मेरे नबी ने अजान दी ड्यूटी लगाई, उन्हें पहले दिन कन्ना च उंगलियां लैके जदों अजान पढ़ी थी, उदी आवाज पहाड़ ना टकरा के फरिश्तियां दे कन्ना च पई ना, ते फरिश्तियां नू वजद आया ना, ते अल्लाह फरमाया याद करो, आख्या सी ना एक दिन आवाज एदी होवेगी, नगमा मेरा होवेगा, जग भी सुनेगा, रब भी सुनेगा, फिर एडी मिठी अजान पढ़ दे के हुजूर ताता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कशफुल महजूब च फरमा दे कि नबी करीम जब किसी सफर तो थक के मदीने आते ना, ते हजूर मदीना तैयबा आके फरमाते ने बिलाल नु बुलाओ, बिलाल आंदे ने, ते हजूर फरमाते ने अरे ना या बिलाल बिसला, हजूर फरमाते ने बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद की थकावट उतर जावे, वो एडी मिठी फिर अजान पढ़ता मेरे नबी की थकावट ही उतार दें। एक दिन नबी पाक एक गजवा तो वापस आ रहे थे, मक्का शरीफ के करीब तो गुजरे, ते मक्के दे बार काफिरां दे छोटे छोटे बच्चे ना ऊंट पे चार दे सन, मुसलमाना वाल वेख के ना ते काफिरां दे बच्चियां उंगलियां कन्ना च लईयां ते अजान पढ़न लग पे ते नकलां उतारन लग पे, नबी पाक अपनी सवारी तो उतरे, टुरे 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 सरकार एक बच्चे के करीब गए, उन्हें पकड़ के ना करीब किया, ते हजूर फरमाते ने बेटा मैनू अजान सुना, वह बच्चा अजान पढ़न लग पिया, सहाबा अर्ज़ की यार सुन ला इन्ने बच्चियां अजान पढ़ीए ते प्यार इहदे नाल क्यों किया जे, हजूर फरमा गौर नहीं की आवाज मेरे बिलाल नाल बड़ी मिलती है, ओही बच्चा जिहड़ा वड्डे होके मौज़ने रसूल ते साहबी रसूल हजरत अबू मखजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बने, फता मक्का दे बाद मेरे नबी ने अबू मखजूरा नू फरमाया तू काबे च अज़ान पढ़िया कर, ते बिलाल नू फरमाया तू मदीने मस्जिद नबी च अज़ान पढ़िया कर, सुनिया क्यों, फरमाया मैं मुहम्मद दा जी करदा मैनू मक्कियों भी बिलाल की आवाज आवे, मैनू मदीनियों भी बिलाल की आवाज आवे, ते ओ बिलाल गिरामी कदर हजरात, फिर दुनिया ने वह भी मंजर वेख्या कि जो कमली वाले मक्के नू फतह किया, तो हजूर ने फरमाया बिलाल जुहर की अजान का वक्त, हजूर फरमा बिलाल काबे की छत चढ़ते अजान पढ़, बिलाल दिया ते निकल चीखा गई, अर्ज की सुनिया मैं काले रंग का हबशियां का गुलाम पुत्र, मक्के के चौधरी ते गोरे गोरे रंग वाले अरबी लोग खड़े, आ मैनू चौधरी वेचदा सी ते आ खरीदा सी, आ वेचदा सी ते आ खरीदा सी, आ वेचदा सी ते आ खरीदा सी, ते मैं इन्हां चौधरियां तो उच्चा किवें हो जावां, फरमाया चढ़ जा काबे की छत चढ़ जा, मैं दुनिया दे चौधरियां नू आई ते दसना चाहना, दुनिया दे चौधरियो तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी का मुकाम बहुत आ जाए, तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी का मुकाम बहुत आ जाए,
ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੱਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੱਦ ਨੀਵਾ ਬਿਲਾਲ ਇਹ ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋ ਸਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਧੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਬਿਲਾਲ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ ਜਾ मैं दुनिया के माड़े ते गरीबां नूं दसना चाहना जिहड़े नीवे होंदे जे मुहम्मद आसरा दे के उच्चा कर देंदा जे बिलाल जिहड़े वेले काबे दी छत आया अज़ान पड़ी जा रही उदी मशहूर कुन आवाज सुन के सारे मस्त हो गए अचानक ख्याल आया बिलाल काबे वाला चेहरा करके अज़ान पड़ी दिया ने ते काबे दी छत चढ़ के किधर चेहरा करके अज़ान पड़ी जा रहे हैं सहाबा फरमाते ने बिलाल दा इश्क व्यंगे हैरान रह गए बिलाल अज़ान पड़ी जा रहे हैं पड़ी जा रहे हैं पड़ी जा रहे हैं जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहे हैं बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे हैं मुड़ी नहीं बोले सुभान अल्लाह भाई दर मुर्शिद दाओ इखाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला ते चल दबारा मलिए ते बाबा भुल्ले शाह फरमाते ने पहली पौड़ी इश्क तेरे दी सिरा ते डेरा लोकी हज मके नू जाते मैं मुख वेखा तेरा सारी उम्र अजाना पढ़िया ते यार दा मुख वेख वेख के पढ़िया आओ मैं हुन मुका देवां बड़ी लंबी तफसील दरकार है बेशुमार वाकियात हैं जदों नबी पाक ने दुनिया तो पर्दा फरमाया तो सहाबा दे ते दिल दी दुनिया ही उजड़ गई नबी करीम दे विसाल दे बाद हालत ही हो गई कि जड़ी ऊंटनी ते नबी करीम सफर फरमांदे सन ना ऊंटनी तीन दिन नबी पाक की कब्र अनवर को बैठी रही ना कुछ खावे ते ना पीवे सरकार नजरी ना आए ते उन्हें मदीने के कुएं छलांग मार के जान कुर्बान कर दी सरकार दा गदा याफूर जिदे ते नबी करीम सवारी फरमाते सन तीन दिन हजूर नूं ढूंढदा मदीने की गलियों च फिरदे नजरी ना आए उन्हें मदीने दीआं दीवारां नूं टकरा मार मार के जान कुर्बान कर दी हजरत बिलाल हबशी की हालत हो गई कि मदीने की गलियां चलाते फिरते हैं तो निके निके बच्चों सीने लगा के फरमाते हैं किधरे मेरा माही वेख्या जे हजूर का नाम सुन के बच्चे रोन लग पे हजरत बिलाल फरमाते हैं जे किसी हजूर नजरी आए तो मैनू भी विखाया जे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की हालत हो गई सारा दिन मदीने के बाहर खड़े रहते शाम वेले घर आके रोंद ने घर वाले पुछते हैं हजूर दिन कितने गुजारिया जे ते रोक के फरमाते ने मदीने के पार जाके रस्ते वेखते रहे होर किसी राह चो मेरा माही वापस आ जाए हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रदी अल्लाह तआला हो उस वेले अपने खेतों नूं पानी दे रहे सन जदों नबी पाक का विसाल होया जवान पुत्र जाके कह लगा अबू जी नबी पाक दुनिया तो परदा कर गए सहाबी रसूल ने मुड़ के पुत्र वाल भी नहीं वेख्या बल्कि आसमान वाल वेख के कह लगे जे तेरा महबूब टुर गया तो मैं इन्हां अखियां दा करना भी की है इन्हां अखियां दा नूर वापस लै लो तेरे महबूब दे बाद किसी होर नूं ना वेखां कि तेरे अखियां दा वजू ही ना टुट जाए उन्हां दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई नबी पाक दे बाद दिन भी रोंदे ने ते रात भी रोंदे ने आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने टुर गए ने के दिलदार दिला दे
उजड़ी बस्ती नगरी आवे गंद दिती नौजवान छे महीने गुजर गए एक दिन अदरते बिलाओं दा दिल ना लगे मदीना तैयबा छोड़ के मुल्के शाम वाले टर पे इमाम इब्ने साकुर ने लिखे आओ अदरते बिलाओं दे मदीना छड़ के जाओं दी खबर मदीने च फैल गई सारे मदीने वाले रोंदे बाहर आए आके कह लगे बिलाल असा तेनों मदीना छड़ के नहीं जाण देनो बिलाल फरमान लगे लोगों मैं की करां मेरा यार बज मदीने दिल नहीं लगदा ये गलियां सुजियां लगदियां ने हजरत सिद्दीक अकबर ने रास्ता रोक लिया ते बिलाल कह लगे अबू बकर जी जे अपने लिए खरीद आ जाए ते मैं नहीं जाता जे यार नहीं खरीद आ जाए मेरा रास्ता ना रुके आज सिद्दीक अकबर भी हट गए बिलाल रोंदे मदीना छड़ के जा रहे मदीने दे बाहर जाके मदीने वाल वेखे आओ खजूरां दे दरख्त नजरी आए रो के कहन लगे उचियां लमियां ए लाल खजूरां ए पद जिन्हां दे सावे किस दम नाल परी तियां साडी साकुयों दम नजर नया दे कलियां साको सुंजड़ सी बने साको वेड़ा खामने आवे गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना आवे हजरत बिलाल रोंदे मुल्के शाम आ गए दिने भी रोना रात भी नबी पाक दियां यादां विच रोना नौजवान रोंदिया रोंदिया छे महीने गुजर गए एक रात नबी पाक दी याद च रोंदिया अख लग गई नबी पाक ख्वाब दे अंदर आए हजूर ने फरमाया बिलाल तेरे नाल नाराज ने अर्ज की दी कमली वाले तेरे गुलामा दा भी गुलामा फरमाया मेरा मदीना क्यों छड़ी अर्ज की दी कमली वाले तेरा मदीने दिल नहीं लगदा नबी करीम ने फरमाया बिलाल उठ मदीने आ जाओ मेरा तेनू मिलन जी प्या करदा अद्धी रात वेले बिलाल दी अख खुल गई के सुपने अंदर मेरा माही मिले आओ ते मैं गल विच पालियां बावा दर्द मारी अख ना खोला कितने फेर भी छड़ना जावा बिलाल रोंदे मदीना ते यबा वाले आ रहे कहंदे कमली वाले तेरा बिलाल पे आई ते तू मदीने दियां दीवारां नजर आईयां आशिक दियां चीखां निकल गईयां आके मिट्टी चुमदे ने मदीने दियां दीवारां नूं जफे मोर देने निके निके बच्चां नूं सीने लगा के रोंदे ने फरमांदे ने बच्चियो मैं तुहाडी अजमत तों बारी जावां ओ ना हवा ਅੱਜ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਸਜਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦਣ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਆਈ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀਦ ਕਰਾ ਦੇ ਮਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਕੋਹਰਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਲਾਲ हजरत बिलाल ने नबी करीम दी कबर नु कलावा मारया अर्ज की थी उठ सोनिया
तेरा बिलाल आई लोग दीवाना नु टकरा मार के फेरो देने कोई नबी दे मिंबर बलवे के रोई जा रहा कोई इस नु कर जे रो रहा कोई उस नु कर जे रो रहा आज नबी दा जमाना याद आया नौजवान साहब ने फरमाया बिलाल अजान सुना दे जेडी नबी नु सुना दा रे आए फरमाया कि अजान पर्दा सा अजान वाला बेखदा सा आज कमली वाले ना है कलेजा फट जाएगा इमाम हसन हुसैन आओगे कह लगे चाचा बिलाल वो अजान सुना दे जेडी नाने नु सुना दा रे आए बिलाल ने नबी दे दुतने नु सीने नाल लाया नबी दे मिंबर दे सामने खलो के बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू की थी ओदी आवाज गूंजी लोग थाड़ा मार के रो रहे केड़े वेले बिलाल दी आवाज मदीने दी फिजा च गूंजी मैं किताबां च पढ़िया परदादार कवारियां बच्चियां रोंदियां मदीने दियां गलियां च आ गईयां मामा दूध पीला दे बच्चे सुट के दौड़ पईयां निक्के निक्के बच्चे रोंदे बच्चे रो के कहते ने अम्मा बिलाल आ गया है नबी कदों ने आना है मामा भी रोंदियां बच्चे भी रोई जा रहे हजरत बिलाल ने अदान पढ़ दिया फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले दे नाम ते चीखा बुलंद हो गईयां बिलाल ने अखियां खोलियां नबी दा मिंबर खाली नजरी आया चीख मार के बेहोश हो गए तीन दिन दे बाद होश आया उठ के मुल के शाम वल टुर पे मुड़ के नबी पाक दी कमरे अनवर वल वेखे आओ ते कहन लगे हिजर के राजे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी कर दाओ तेन कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा बिलाल रोंदे मुल्के शाम आ गए बाकी सारी जिंदगी मुल्के शाम ही गुजार दी जदो आखिरी वेला आया ना ते आप दी बीवी करीब बैठ के फिर रोंदी ते आप मुस्कुरा रहे बीवी ने अर्ज की मैं रोनी हूं तुसी हसदे हो फरमा तू क्यों रोनी कह लगी सोनिया तेरी जुदाई तो फिर रोनी फरमा लगे तू मेरी जुदाई तो रो रही है ते मैं हसना वा अज मेरी कब्र च माही नाल मुलाकात होवेगी हजरत दाता साहिब रहमतुल्लाह ने फरमा दे मैं मुल्के शाम गया मैं हजरत बिलाल हबशी दे मज़ारे अकदस ते इतकाफ किया ते आप फरमाते ने दौरान इतकाफ में बड़ी वार नबी करीम ने बिलाल हबशी दे मज़ार ते आउंदा जांदा वेख्या पता चले अज भी जिन्हें कमली वाले नु वेखना होवे मेरे नबी अज भी अपने बिलाल दे कोल ही मिलदे ने ए आशिक रसूल ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ओ लोग ने जिन्होंने अपना तन मन धन सारा कुछ मुस्तफा दी जुल्फे दे वल्लैल दे जुल्फे दे कुंडल तो वार दित्ता ग्रामी कदर हजरात आखिर ते सबकन मैं अर्ज कर रहा जे तुसी भी चाहते हो ना कि अल्लाह नु पसंद आ जाइए ते अल्लाह नु गोरे रंग नहीं पसंद अज दा हर नौजवान चाहता मैं सोहना हो जावां अपने चेहरे ते फेशियल करा के क्रीम लगा के तुसी कुछ भी पॉलिश करा लो कि मैंने लोग सोना क्या मैं मिंबरे रसूल ते बैठ के दावा करना तो अपने चेहरे ते लखा रुपए लगाते ना हो रहे कोई ना वेखे अपने चेहरे ते मुस्तफा दा रंग चढ़ा कोई ना वेखे मुहम्मद दा रब वेखे ही वेखे ये तुसी चाहते हो कि अल्लाह नु पसंद आ जाइए ते रंग ओ चढ़ाओ जेड़ा अल्लाह दे महबूब दा रंग सिबगतुल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा अपने महबूब दा रंग चढ़ा लो दिल दिल भर नो दे दईए ते कर छड़िए नजराना फिर ऐसे उस दे होके रहिए जाने कुल जमाना नबी पाक दे गुलाम तुहानू दसना ना पवे वाए मुहम्मद दा गुलाम तुहानू वेख के लोग आखन ए आज के रसूल है ए आज के रसूल है दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो सीना पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो
در وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.